वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट्स आपका कितने प्रकार का होता है और अकाउंट्स का क्या क्या एग्जांपल्स होता है, आज किस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। क्योंकि जब तक आप अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट कितने प्रकार का होता है और अकाउंट्स का क्या क्या एग्जांपल्स होता है, इसका जब तक आपको क्लारिफिकेशन नहीं रहेगा, आगे जाके कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, फाइनल अकाउंट हो, या जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जितने भी आपका चैप्टर्स हैं, वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा अकाउंटेंसी का एक तरह से बोले कि बैकबोन है क्या जानना, अकाउंट। क्या जानना? अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बोलता क्या है अकाउंट किसे कहते हैं। बोलता है दैट टाइप ऑफ प्लेस, बोलता वैसा स्थान जगह, वैसा स्थान जगह जहां पे हम लोग, वेयर वी रिकॉर्ड, जहां पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं पता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन्स रिलेटेड चाहे असेट्स रिलेटेड, लायबिलिटीज रिलेटेड, एक्सपेंसेस रिलेटेड, इनकम रिलेटेड एक्सेट्रा, प्रॉफिट वगैरह से रिलेटेड, लोन वगैरह से रिलेटेड, रिजर्व वगैरह से रिलेटेड, तो उसी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं आपका अकाउंट। क्या बोलते हैं? दैट प्लेस इज कॉल्ड क्या हो गया मेरा? अकाउंट। एक बार फिर से, वैसा प्लेस स्थान या जगह जहां पे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर पर्सन, कोई व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है, असेट्स से रिलेटेड हो सकता है, लोन से रिलेटेड हो सकता है, आपका इनकम से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, एक्सेट्रा और भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट। जैसे अगर मैं समझाना चाहूं तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक आपका कॉपी है। ठीक है, तो हम क्या किए, इस कॉपी में मान लिए इस प्लेस पे, इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश रिलेटेड। तो ये प्लेस, ये जगह, ये स्थान क्या कहलाएगा? कैश अकाउंट। क्या कहलाएगा? कैश अकाउंट। मान लेते हैं इस प्लेस पे इस जगह पे, इस स्थान पे हम लोग परचेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो ये प्लेस क्या कहलाएगा मेरा? परचेज अकाउंट। मान लेते हैं सलमान खान से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो ये प्लेस क्या कहलाएगा मेरा? सलमान खान अकाउंट। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस प्लेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैटरीना कैफ का ट्रांजेक्शन जो हुआ उससे रिलेटेड, तो ये प्लेस क्या कहलाएगा? कैटरीना कैफ अकाउंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कोई भी आपका कॉपी हो, रजिस्टर्ड हो, डायरी हो, या मान लेते हैं कि कंप्यूटर वगैरह भी हो सकता है। कंप्यूटर में क्या होता है या लैपटॉप में, अभी बहुत तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने सुना होगा नाम टैली। क्या सुना होगा? टैली। तो टैली में भी क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड, तो वहां पे जो रिकॉर्ड किया गया वो भी क्या कहलाएगा मेरा? अकाउंट। बहुत सारे क्या है, मोबाइल ऐप जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो मोबाइल में भी क्या करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस ऐप या जिस सॉफ्टवेयर या कॉपी रजिस्टर डायरी कहीं पे भी हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो प्लेस मेरा क्या कहलाता है? अकाउंट। तो चलिए एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, That type of place, वो स्थान या वो जगह, where, जहां we record, हम लोग record करते हैं क्या? Business transactions को related to a particular persons, assets, liabilities, expenses या income etc. That place is called क्या कहलाता है मेरा? Account. तो मुझे आशा आप समझ गए होंगे कि account किसे कहते हैं। ठीक है, वैसा प्लेस स्थान जगह जहां पे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, किसी खास व्यक्ति से रिलेटेड, एसेट्स रिलेटेड, एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड, वो प्लेस स्थान जगह क्या कहलाता है मेरा? अकाउंट। ठीक है, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने तरह का होता है? तो सबसे पहले अकाउंट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, आपका है रियल अकाउंट, फिर क्या है मेरा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंट्स कितने तरह का होता है, तो आप बोलेंगे तीन तरह का। कितने तरह का? तीन तरह का। पहला हो गया मेरा कौन सा? पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा हो गया मेरा?
इन पर्सनल अकाउंट, सॉरी दूसरा कौन सा हो गया मेरा, दूसरा कौन सा हो गया मेरा रियल अकाउंट, और तीसरा कौन सा हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंट कितने तरह का होता है तो आप बोलेंगे कितने तरह का, तीन तरह का, थ्री काइंड ऑफ अकाउंट, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब हम तीनों के बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, उसका क्या क्या एग्जांपल्स होता है, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, उसका क्या क्या एग्जांपल्स होता है, और फिर हम जानेंगे कि नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, उसका क्या क्या एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स किसे कहते हैं। देखिए मैंने सिंपल सा लिखा है, एक सिंपल सा मैंने लिखा है, ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन्स, मतलब जितने भी तरह का आपका पर्सन्स होगा वो आपका कौन सा अकाउंट होगा, आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सवाल उठता है कि पर्सन्स कितने तरह का होता है, पर्सन्स तीन तरह का होता है, पहला होता है आपका नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा कौन सा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, देखिए ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन, जितने भी तरह का पर्सन होगा, और पर्सन कितने तरह का होगा आपका, तीन तरह का, पहला कौन सा हो जाएगा आपका नेचुरल पर्सन, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो चाहे नेचुरल पर्सन रहे, चाहे आपका आर्टिफिशियल पर्सन रहे, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रहे, ये सबसे रिलेटेड जो आपका होगा वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा मेरा, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट कहलाएगा मेरा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन लाइक नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये सबसे रिलेटेड जो अकाउंट होगा कौन सा अकाउंट कहलाएगा मेरा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर सवाल उठता है कि सर ये नेचुरल पर्सन किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं, और आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, लिखा है नेचुरल पर्सन, क्या लिखा है नेचुरल पर्सन, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, मतलब पूरा इंटायर वर्ल्ड में जितने भी आपका ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी आपका मानव जाति के लोग हैं, राम श्याम गोपाल मोहन कैटरीना कैफ सलमान खान, है ना, आपका कोई भी आपका क्या है नाम है, पर्सन्स है, वो कौन सा पर्सन है मेरा, कौन सा पर्सन है मेरा नेचुरल पर्सन, कौन सा पर्सन है मेरा नेचुरल पर्सन, और कौन सा आपका अकाउंट कहला जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन आप समझ गए होंगे, ह्यूमन बींग्स मानव जाति पूरा इंटायर वर्ल्ड में जितने भी आप नाम देख रहे हैं, जितने भी पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या अदर जर्नल हो, वो सारे के सारे कौन से आपका है नेचुरल पर्सन है, तो कौन से अकाउंट कहलाएंगे वो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है क्या कृष्णास अकाउंट, फिर मैंने क्या लिखा है राधास अकाउंट, फिर लिखा सलमान खान अकाउंट, फिर लिखा कैटरीना कैफ अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कीजिएगा, एक चीज को क्या कीजिएगा, टर्म को समझ लीजिए, जैसे अगर हमको नेचुरल पर्सन में लिखना है, अगर हम लिखे क्या आपका, अगर हम लिखे क्या राधा अकाउंट, क्या लिखे राधा अकाउंट, तो ये थोड़ा सा क्या होगा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गलत है, राधा अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा राधा अकाउंट, राधा का खाता। ठीक है, राधा का खाता, तो फुल स्टॉप देना क्या है आपका जरूरी होता है। कृष्णा अगर हम लिखेंगे क्या ऐसे कृष्णा अकाउंट, तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा कृष्णा अकाउंट, कृष्णा का खाता। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी आपका नेचुरल पर्सन है वहां पर अगर आप अकाउंट वर्ड यूज करना चाहते हैं उस नेचुरल पर्सन के साथ, तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा फुल स्टॉप यस। ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं हम फुल स्टॉप यस नहीं लिखें, तो देखिए आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं राधा, तो आप लिख देंगे क्या राधा, बस काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राधा में अगर आप अकाउंट वर्ड यूज करना चाहेंगे तो आपको फुल स्टॉप यस देना क्या है जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे नेचुरल पर्सन रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फिर क्या है मेरा आर्टिफिशियल पर्सन, ध्यान सुनिए, रिलेटेड टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जितने भी तरह का बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, जितने भी तरह का बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, कौन सा आपका पर्सन कहलाएगा आर्टिफिशियल पर्सन, और कौन सा अकाउंट कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चाहे पान का दुकान से लेके जियो कंपनी तक, चाहे आपका मान लेते चाय का दुकान से लेके गूगल कंपनी तक, जितने भी आपका बिजनेस का आपका नेम है वो सारे के सारे कौन से पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन है, और कौन सा अकाउंट कहलाएंगे मेरा पर्सनल अकाउंट। या कोई ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूशन से है ना, ये भी आपका कौन सा अकाउंट कहलाएंगे मेरे आपका आर्टिफिशियल पर्सन, और कौन सा अकाउंट कहलाएंगे मेरा पर्सनल अकाउंट। मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, देख लीजिए जियो कंपनी अकाउंट, उसके बाद लिखा है यूट्यूब अकाउंट, गूगल अकाउंट, राजे टू स्टॉल,
सिन्हा कॉमर्स क्लासेस अकाउंट, मुरारी चाट भंडार अकाउंट, गूगल कंपनी अकाउंट, ठीक है, आपका मान लेते हैं पैनासोनिक कंपनी अकाउंट, आपका सैमसंग, एलजी, विप्रो, आपका मतलब जितने भी आपका कंपनीज देख रहे हैं, जितने भी आपका सोलटेड पार्टनरशिप कंपनी आप देख रहे हैं, सभी बिजनेस का जो नेम होगा वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन है और कौन सा अकाउंट कहलाएगा, मेरा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तीसरा जो आपका कौन सा होता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीसरा कौन होता है आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ध्यान सुनिए, रिप्रेजेंट या इंडिकेट्स टू अदर अकाउंट, वो ऐसा आपका अकाउंट जो किसी दूसरे अकाउंट की तरफ क्या करता है, इशारा करता है, इंडिकेट करता है, उस अकाउंट को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और कौन सा अकाउंट कहलाएगा, मेरा पर्सनल अकाउंट। मैंने इसमें दो लिखा है, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। कौन लिखा है, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका ऑनर को, बिजनेसमैन को। ड्रॉइंग्स जब पर्सनल यूज के लिए जो मालिक है आपका क्या करता है, गुड्स या कैश निकालता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स और कैपिटल दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को, बिजनेसमैन को। ड्रॉइंग्स किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, असेट्स किसे कहते हैं, इसका वीडियो क्या किया मैंने डाल दिया है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत क्लास 11th लेक्चर 1 में। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पर जाके देख लेंगे तो आपका और भी क्लारिफिकेशन हो जाएगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि कैपिटल या ड्रॉइंग्स मालिक को, ऑनर को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, और कौन सा अकाउंट कहलाएगा, मेरा पर्सनल अकाउंट। और भी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, सन्डरी डेब्टर्स, सन्डरी क्रिएटर्स, ये सब आपका कौन सा पर्सन है, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, और कौन सा अकाउंट कहलाएगा, मेरा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट समझना क्या था, अति आवश्यक था। अब बोर्ड पे देखिए, ये जितने भी मैंने आपका अकाउंट्स लिखे हैं, ये जितने भी मैंने अकाउंट्स लिखे हैं, ये सारे के सारे कौन सा अकाउंट कहलाएंगे, मेरा पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट कहलाएंगे, मेरा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल अकाउंट किसे कहते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपका नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, और उसका क्या बताऊंगा मैं एग्जांपल्स, क्योंकि अभी मैं रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट बताऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा सुन लीजिए, रियल अकाउंट जितने भी तरह का असेट्स या प्रॉपर्टीज होगा वो रियल अकाउंट कहलाएगा, जैसे कैश, मशीनरी, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप एटसेट्रा। और नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम्स, गेन्स, ये सब से रिलेटेड जो आपका अकाउंट्स होगा, कौन सा अकाउंट्स कहलाएगा, मेरा नॉमिनल अकाउंट्स, जैसे सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बैड डेट्स, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये सब मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट्स। लेकिन इसका इन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं, थैंक यू।